हम कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का मैथ्स. इसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लिए हैं और हमने 1.3 से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी डेफिनेशंस हैं और कुछ एग्जांपल्स भी हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, राइट. तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 हमारी स्टार्ट करने वाले हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इस एक्सरसाइज में. इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर वन में हमें क्या गिवन है, हमें दो फंक्शंस गिवन हैं, फंक्शन एफ एंड फंक्शन जी. ये जो फंक्शन एफ है वो डिफाइंड है फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेकेंड सेट, राइट. और जो फंक्शन जी है वो डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट 1 to 5, ये जो सेट है इस सेट से 1 to 3 इस सेट तक, ठीक है. देखते हैं कैसे डिफाइन किया गया है, यानी कि एफ के और जी के एलिमेंट्स क्या हैं वो हम अभी देखते हैं. एफ हमें गिवन है इज इक्वल टू 1 to 2, यानी कि एलिमेंट 1 इज एसोसिएटेड टू 2, राइट. नेक्स्ट एलिमेंट इज 3 5, और एक थर्ड एलिमेंट हमारे पास है 4 1. ये है हमारा सेट F, यानी कि 1 इज एसोसिएटेड टू 2, 1 की इमेज है 2, 3 की इमेज क्या है 5 है, और हमारे 4 की इमेज हमारे पास है 1 अंडर फंक्शन F. इसी तरह से फंक्शन G इज ऑल्सो गिवन, वो क्या है 1 3 2 3 एंड 5 1. इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब 1 जो है वो एसोसिएटेड है 3 से, राइट, और 2 एसोसिएटेड है हमारा फिर से 3 से, और ये 5 एसोसिएटेड है 1 से. तो ये हो गया फंक्शन जी. अब राइट डाउन जी ओ एफ. हमें फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये हम देख लेते हैं, ठीक है. जी ऑफ एफ निकालना है, यानी कि कॉम्पोजिशन फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है. कॉम्पोजिशन फंक्शन हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि हम ये कैसे फाइंड आउट करते हैं. लेट्स फाइंड आउट कॉम्पोजिशन फंक्शन. हम हर एलिमेंट के लिए देखेंगे कि हर एलिमेंट की अंडर जी ओ एफ क्या इमेज आती है, ठीक है. तो जी ऑफ एफ किस पे लगेगा, एक्स पे लगेगा, और एक्स किसका एलिमेंट होगा, एफ की डोमेन का, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन एफ है, यानी कि हम क्या यूज़ करेंगे, डोमेन ऑफ एफ. तो सबसे पहला एलिमेंट ले लेते हैं 1. जी ऑफ एफ 1 पे अगर हम लगाएंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा जी ऑफ एफ 1, ठीक है, जी ऑफ एफ 1 आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू जी ऑफ, अब देखिए एफ 1 क्या है, यानी कि एफ के अंडर 1 की इमेज क्या है, दैट इज 2. 1 की इमेज क्या है, 2 है अंडर एफ, तो यहां पर आ जाएगा 2. अब बात करते हैं जी ऑफ 2 की. जी ऑफ 2 यानी कि जी के अंडर 2 की इमेज, दैट इज 3, तो यहां पर हमारे पास आ गया 3. इसका मतलब जी ऑफ एफ अगर हम 1 पे लगाते हैं, यानी कि अंडर जी ऑफ एफ 1 की इमेज आ गई 3, ठीक है. इसी तरह से जी ऑफ एफ सेकेंड एलिमेंट लेंगे एफ की डोमेन का, दैट इज 3. अब फिर से जी ऑफ एफ फाइंड आउट करना है 3 के लिए, तो जी ऑफ एफ 3, राइट. अब एफ 3 क्या है, एफ के अंडर 3 की इमेज, दैट इज 5, तो हमारे पास आ गया जी ऑफ 5. अब जी के अंडर एफ 5 की इमेज, जी के अंडर हमारा ये रहा 5, तो 5 की इमेज क्या है, 1 है, तो दिस इज 1. मतलब जी ऑफ एफ के अंडर 3 की इमेज क्या आ गई, 1 आ गई. उसके बाद जी ऑफ एफ यहाँ पर एलिमेंट देखना है डोमेन का, एफ की जो डोमेन है 4, ठीक है. अब जी ऑफ एफ मैंने किस पे अप्लाई कर दिया, 4 पे, तो फाइंड आउट करेंगे वैल्यू इसकी एफ ऑफ 4. अब बात करते हैं एफ ऑफ 4 क्या है, ठीक है. फिर से हमें वही देखना है, 4 की इमेज अंडर एफ वो है 1, तो जी ऑफ 1 आ गया हमारे पास. और जी ऑफ 1 क्या है, यानी कि जी के अंडर 1 की इमेज, ये है 3, यहाँ पर हमारे पास आ गया 3, ठीक है. हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो भी इस डोमेन में एलिमेंट्स थे, एफ की डोमेन में जो एलिमेंट्स थे
उन सभी एलिमेंट्स पे हमने जी ऑफ एफ अप्लाई किया, ठीक है, और हमने फाइंड आउट किया कि हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ इमेज में. तो जी ऑफ एफ क्या आ गया हमारा, हम ये इरेज कर रहे हैं ताकि हम लिख पाएं जी ऑफ एफ के बारे में. जी ऑफ एफ यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ दीज टू फंक्शंस, एक नया फंक्शन बन गया हमारे पास जिसे हम गॉफ कहते हैं, जी ओ एफ गॉफ. ये कौन से सेट से कौन से सेट तक होगा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है. ये अगर ए से बी तक है, मैंने मान लिया कि ये सेट ए है एंड दिस इज सेट बी, और जी हमारा था सेट बी से सेट सी तक, तो गॉफ जो होता है वो कहाँ से होगा, सेट ए से सेट सी तक होगा, राइट. तो सेट ए लिख देते हैं 1, 3, 4 से लेकर सेट सी, यानी कि ये सेट सी हमारा है 1, 3, राइट. ये आ गया हमारा जी ऑफ एफ, हमने इस सेट से इस सेट तक डिफाइन कर लिया. और किस तरह से डिफाइन किया है, ये हमारे पास इमेजेस आ गई सारे एलिमेंट्स की, सच दैट हम इसको लिख सकते हैं जी ओ एफ इज इक्वल टू 1 की इमेज हमारे पास आई है 3, 1 की इमेज क्या आई है 3 आई है, 1 की इमेज है 3. सेकेंड एलिमेंट लिखेंगे 3 की इमेज क्या है 1, 3 की इमेज हमारे पास आई है 1, और थर्ड एलिमेंट होगा 4 की इमेज हमने निकाली है और हमने फाइंड आउट किया 3, तो थर्ड एलिमेंट हो जाएगा 4, 3, राइट. तो ये आ गया हमारा जी ऑफ एफ जो हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है. बेसिकली ये हमें फाइंड आउट करना था, और इस तरह से हमने 1 by 1 हर एलिमेंट पे जी ऑफ एफ अप्लाई किया और उसकी इमेज फाइंड आउट की. इससे हमारे पास ये आ गया कि जी ऑफ एफ क्या होगा. ये था हमारा कॉम्पोजिशन फंक्शन, फंक्शन एफ और जी का, राइट. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1.